मजबूत बना रहा है, आपको यह सिखा रहा है जीवन में कि आप या तो डगमगा के टूट जाओ या तो इसका सामना करते हो और मजबूत बन जाओ। तो लाइफ में घबराना नहीं, चाहे सिचुएशन हालात कुछ भी हो, आगे बढ़ते रहना ही जिंदगी का नाम है। तो आप लोगों से बस इतनी ही गुजारिश है कि जो लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं इस लिंक को जरा सा शेयर कर दीजिए ग्रुप में और बोल दीजिए कि सर आ चुके, क्योंकि हम अपने मोबाइल से लाइव आ चुके हैं, इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है बस। चलिए, बाकी टोटली आप लोगों पे है, करना है कर दीजिएगा, नहीं करना है कोई बात नहीं। तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं सीआरपीसी को और आगे बढ़ेंगे 1973 के साथ। समन हम लोगों ने पढ़ लिया, अब बात आता है वारंट का, वारंट ऑफ अरेस्ट का। तो 70 सेक्शन से शुरू करते हैं, वारंट ऑफ अरेस्ट। देखो अमूमन अगर सेक्शन 70 को देखोगे तो क्या कहता है, फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट, किस तरीके का होता है अरेस्ट वारंट। तो आप देखो तो लिखता है शैल बी इन राइटिंग, लिखित में होना चाहिए, साइंड दस्तखत होना चाहिए जिस कोर्ट ने इशू किया है उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर का। उसके बाद शैल बी सील्ड विद द सील ऑफ द कोर्ट, जिस कोर्ट ने इशू किया है उस कोर्ट का जो मोहर है वो मोहर उस अरेस्ट वारंट पे होना चाहिए फिक्स। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये इसका ड्यूरेशन, कोई भी अरेस्ट वारंट अगर इशू हो गया है तो वो कितने टाइम पीरियड के लिए वैलिड रहता है। तो दो बात आपको पता है कि जब तक वो कैंसिल्ड ना हो जाए, अंटिल कैंसिल्ड, जब तक वो कैंसिल्ड ना हो जाए, या फिर जब तक एग्जीक्यूट ना हो जाए, करेक्ट। ये दो बात याद रखना सेक्शन 70 से। आगे बढ़े, बात समझ में आया आप लोगों को। चलिए, पूजा जी गुड इवनिंग, रितु जी गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच रामू जी। चलिए, यदा यदा ही धर्मस्य अंटिल कैंसिल और एग्जीक्यूटेड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 70 आपको इतना कह दिया, अब आते हैं बिलेवल वारंट पे। देखो, पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, सेक्शन 71। सेक्शन 71 क्या कहता है, पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। मान लो कि मजिस्ट्रेट ने वारंट इशू किया, मजिस्ट्रेट ने वारंट इशू किया, वारंट तो इशू कर दिया लेकिन उसमें एक निर्देश दे दिया, उसमें एक निर्देश, एक डायरेक्शन दिया कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है, जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है, अगर वो सिक्योरिटी दे देता है, सिक्योरिटी अगर वो दे देता है कि जब कभी भी कोर्ट उसको बुलाएगी तो वो आएगा इस बात का, और साथ ही साथ कुछ और भी कंडीशंस हैं जिसको पूरा करना जरूरी है सिक्योरिटी के साथ, जैसे कितना सिक्योरिटी या सिक्योरिटी होना चाहिए, अमाउंट कितना होना चाहिए सिक्योरिटी का, ये सब दिशा निर्देश जो मजिस्ट्रेट वारंट इशू कर रहा है वो निर्देश दे देगा उस वारंट पे। तो पुलिस ऑफिसर जिसको वारंट गया है, जिस पुलिस ऑफिसर को वारंट दिया गया है एग्जीक्यूट करने के लिए, वो क्या करेगा, तो वो उस व्यक्ति को बोलेगा कि अगर आप सिक्योरिटी देते हो और जो भी बातें इस वारंट में की गई है रिगार्डिंग सिक्योरिटी, नंबर, कैरेक्टर, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, आप इस कंडीशन को फुलफिल करते हो तो आपको एडवांस रिलीज कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और अगर नहीं करते हो तो फिर आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो अब यहां पे अगर वो व्यक्ति जिसके खिलाफ वारंट इशू हुआ था अगर वो सिक्योरिटी दे देता है तो वो उस वक्त ही रिलीज हो जाएगा, क्योंकि यहां पे कोर्ट चाहे तो एट फर्स्ट इंस्टांस उस व्यक्ति के अगेंस्ट विलेबल वारंट इशू करेगी। और जो भी सिक्योरिटी पुलिस ऑफिसर को मिला है वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, जाके किसको दे देगा, जिस मजिस्ट्रेट ने वारंट इशू किया था उसी मजिस्ट्रेट को सौंप देगा। बात समझ में आया, 71 समझ में आया। चलिए, गुड इवनिंग सपना जी, सहर्ष जी, मुकेश जी, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो,
अमूमन वारंट इसको हटाते हैं, एक एक बात जानना जरूरी है इस सब का। यहां पे प्रोसेस टू कंपेल अपेयरेंस का बात हो रहा है, जब कोई व्यक्ति किसी कोर्ट में अगर आना है तो कोर्ट उसको कैसे बुलाएगी। समन पहले हम लोग पढ़ लिए, पूरा डिटेल में समन को पढ़े। समन पे नहीं आई व्यक्ति तो तब जाके उसके खिलाफ वारंट जारी हुआ। एक बात बताओ, जब हम चैप्टर 6 को पढ़ रहे हैं तो क्या चैप्टर 6 में ये कहीं लिखा हुआ है कि समन वारंट प्रोक्लामेशन जो इशू होगा सिर्फ वो एक्यूज को होगा क्या, किसी और व्यक्ति को नहीं हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेनेंट को, क्या होगा कॉम्प्लेनेंट को जल्दी बताइए कमेंट फास्ट। हो सकता है, स्प्राइट क्लियर है, वेरी गुड, होगा ठीक है ना, वेरी गुड। अगर आप देखोगे ना तो 71 को देखो, वहां भी शब्द इस्तेमाल हुआ है। हम इसलिए बता रहे हैं कि ये सब प्रीलिम्स में अगर आपसे सवाल पूछ लिया तो आप वहां मत फंसना, एक एक शब्द का बहुत महत्व होता है। 71 में जो शब्द इस्तेमाल हुआ था एनी पर्सन, तो एनी पर्सन इंक्लूड आइदर एक्यूज्ड कॉम्प्लेनेंट विटनेस जो भी हो, ये याद रखना, एनी पर्सन का मतलब कोई भी हो जाता है। तो वारंट, ये वारंट समन ये क्या है, एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। लेकिन अगर हम यहां पे केस जोड़ देंगे, समन केस वारंट केस, तो फिर ये अलग चीज हो जाएगा। अमूमन समन केस किसको बोलते हैं, समन अलग है, समन केस अलग चीज होता है, वारंट अलग चीज होता है, वारंट केस अलग चीज होता है। तो आप लोग को पता है कि समन केस किसे कहते हैं, वारंट केस किसे कहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आइए अपने अगले पड़ाव पे बढ़ते हैं। 72 वारंट टू हुम डायरेक्टेड, 72 क्या कहता है, वारंट टू हुम डायरेक्टेड, वारंट किसको दिया जाता है। तो सबसे पहले प्रयास क्या रहता है कि वारंट जब भी दिया जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए वो पुलिस ऑफिसर को दिया जाएगा, सबसे पहले पुलिस ऑफिसर को दिया जाएगा। और अगर पुलिस ऑफिसर नहीं है तो क्या कोई भी व्यक्ति को वारंट दिया जा सकता है एग्जीक्यूशन के लिए, किसी व्यक्ति को क्या, अगर पुलिस ऑफिसर नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, तो क्या कोई व्यक्ति को भी दे दिया जाएगा, किसी को भी, आपको हमको किसी को भी दे दिया जाएगा। वेरी गुड, पुलिस नहीं तो कोई भी, किसी को भी दे दिया जाएगा। तो या तो पुलिस को गया तो पुलिस एग्जीक्यूट करेगा वारंट ऑफ अरेस्ट, या किसी व्यक्ति को गया है तो वो व्यक्ति करेगा। अब यहां पे सवाल है तीसरा कि अगर मान लो मोर देन वन पुलिस ऑफिसर और पर्सन, अगर एक से अधिक पुलिस ऑफिसर को या एक से अधिक पर्सन को क्या वारंट दिया जा सकता है एग्जीक्यूशन के लिए, यस और नो। तो देखो यहां पे तीसरा नंबर पॉइंट में हमेशा याद रखना कि कोई जरूरी नहीं है किसी वारंट को अगर एग्जीक्यूट किया जाना है तो वो एक ही पर्सन या एक ही पुलिस ऑफिसर को दिया जाए, वो एक से अधिक पुलिस या पर्सन को दिया जा सकता है। और इस सिचुएशन में कोई भी पुलिस ऑफिसर, अगर एक से अधिक पुलिस ऑफिसर है तो कोई भी पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूट कर सकता है उस वारंट ऑफ अरेस्ट को। और अगर किसी एक से अधिक व्यक्तियों को दिया गया है वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए तो उसमें से कोई भी एक व्यक्ति वारंट एग्जीक्यूट कर सकता है। यह बात 72 से इतनी सारी बातों की जानकारी आपको मिल जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 72 के बाद 73 का। वारंट में भी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, यहां तो इतना बता दिया, देखना बात समझना, 72 तो बता दिया कि किसी भी व्यक्ति को वारंट दे दिया जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन क्या हर
अपराध के केस में, हर एक्यूज के केस में, हर ऑफेंडर के केस में नहीं। यहां पे सबसे पहले जब भी किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को जो पुलिस ऑफिसर नहीं है उसको वारंट दिया जा रहा है, तो उसको वारंट डायरेक्ट कौन करेगा? तो यहां कहता है या तो सीजीएम करेंगे, या तो सीजीएम साहब करेंगे, उसको निर्देश देंगे वारंट एग्जीक्यूट करने का कोई व्यक्ति है तो, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। यही दोनों को ऑथोरिटी है कि वह किसी भी व्यक्ति को वारंट दे सकता है फॉर एग्जीक्यूशन। अब सवाल नंबर दूसरा, जिस व्यक्ति को वारंट दिया जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, वो व्यक्ति क्या कोई भी होगा? उसके रिस्पेक्ट में कोई कंडीशन भी है? जी हाँ है। वो व्यक्ति फॉर एग्जांपल अगर ए है तो ए का क्या इस सीजीएम साहब या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत रिसाइड करना जरूरी है? उसका रिसाइड करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, वेरी गुड। चलो तीसरा बात कि क्या हर एक्यूज को अरेस्ट करने का अथॉरिटी होता है उस व्यक्ति को? नहीं। देखो किस किस के रिस्पेक्ट में अरेस्ट वारंट एग्जीक्यूशन के लिए किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाता है। पहला, या तो वो इसके स्केप्ड कन्विक्ट हो, या वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, या वो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। और साथ ही साथ इसके साथ भी एक कंडीशन है, एंड ही इवेडिंग अरेस्ट, अरेस्ट से बचने के लिए भाग रहा है। तीन बात दिमाग में रखना एकदम, कौन मजिस्ट्रेट ऑथराइज्ड है किसी व्यक्ति को वारंट एग्जीक्यूट करने के रिस्पेक्ट में ऑर्डर जारी करने के लिए? तो सीजीएम या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। एक बात, जिस व्यक्ति को वारंट जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए वो व्यक्ति इन मजिस्ट्रेट्स के ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत रह रहा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूर्णिया, अगर मान लो पूर्णिया का कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, वो दरभंगा का किसी व्यक्ति को बोल देगा कि आप वारंट एग्जीक्यूट कीजिए, ऐसा नहीं। उसको पूर्णिया के अंतर्गत ही कोई व्यक्ति को देना होगा। एक बात हो गया, दूसरी बात हो गई, तीसरी बात कि जो एस्केप्ड कन्विक्ट होगा, एस्केप्ड कन्विक्ट का मतलब होता है जिसको सजा हो चुका है और वो फिर भाग गया जेल से फरार, या फिर जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है जो अभी तक अरेस्ट ही नहीं हुआ जिसको वांटेड भी कहते हैं, या वो एक्यूज जिस पे आरोप लगा है नॉन बेलेबल ऑफेंस करने का और वो अरेस्ट से भाग रहा है, तो इन्हीं व्यक्तियों के, इन्हीं पर्सन के रिस्पेक्ट में अरेस्ट करने के लिए किसी भी व्यक्ति को जाता है वारंट। एक बात समझ में आ गया पूरा डिटेल में। अब मान लो कि जिस व्यक्ति को गया वारंट अरेस्ट करने के लिए और उसने अरेस्ट कर दिया, अरेस्ट करने के बाद वो क्या करेगा? तो वो कुछ नहीं करेगा, वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में या पुलिस ऑफिसर के पास जाके सौंप देगा उसको, जिस व्यक्ति को उसने अरेस्ट किया है, व्यक्ति आम व्यक्ति जिसने अरेस्ट किया है वो जाके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में या पुलिस ऑफिसर को जाके दे देगा अरेस्ट करने के बाद। तो ये हो गया आपको यहां तक। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके बाद जिस पुलिस स्टेशन में जाके उसको सौंपा गया है अरेस्टेड पर्सन को या जिस पुलिस ऑफिसर को दिया गया है, वो क्या करेंगे ये भी तो जान लो। वो बस इतना करेंगे, अगर वो सेक्शन 71 के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी पे अगर छूट जाता है तो छूट जाएगा वो, और अगर नहीं तो फिर वो जाएगा कस्टडी में, चाहे वो पुलिस हो या जुडिशियल हो। तो यहां हो गया आपका, वेरी गुड, सेक्शन 73 तक। सभी को समझ में आया? पुलिस नहीं हो तब, तब बोले तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे, नियरेस्ट
पुलिस स्टेशन में जाके सौंप दिया जाएगा। पुलिस अगर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है तो बगल का जो भी पुलिस स्टेशन होगा वहां जाके उसको दे दिया जाएगा। तो यहां तक सभी को बात समझ में आ गया तो ठोक दीजिए ताली एक बार। स्प्राइट क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। चलिए तो ये हो गया 73 सेक्शन 73। अब आते हैं 74 पे, वारंट डायरेक्ट, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। अब यहां पे जो बात कह रहा है वो समझना, अगर हम आपसे सवाल पूछे कि एक पुलिस ऑफिसर को वारंट दिया गया, एक पुलिस ऑफिसर को वारंट डायरेक्ट किया गया फॉर अरेस्टिंग, फॉर अरेस्टिंग मान लो ए, अब सवाल है कि क्या यह पुलिस ऑफिसर इस वारंट को किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को दे सकता है सेम पर्पस के लिए, कि देखो हम अरेस्ट नहीं कर पाएंगे, तुम जो है जाके इस ए को अरेस्ट करो। तो क्या एक पुलिस ऑफिसर जिसके नाम से वारंट हुआ है जारी कि उसको एग्जीक्यूट करना है, वो दूसरे पुलिस के थ्रू क्या एग्जीक्यूट करवा सकता है वारंट को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करवा सकता है, ये बात आप जानते हो। लेकिन 74 ये कह रहा है, लेकिन अब सवाल नंबर दूसरा, जिस पुलिस ऑफिसर को दिया जा रहा है वारंट एग्जीक्यूशन के लिए, जिस दूसरे पुलिस ऑफिसर को, क्या उसका नाम इंडोर्स होना जरूरी है? क्या उस पुलिस ऑफिसर का नाम उस वारंट में इंडोर्स होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। चलो बात समझ में आ गया, जरूरी है राहुल जी, जरूरी है, वारंट में बहुत जरूरी है जिसको दिया जा रहा है, एक पुलिस ऑफिसर जिस दूसरे पुलिस ऑफिसर को दे रहा है एग्जीक्यूट करने के लिए वारंट, उस दूसरे पुलिस ऑफिसर का नाम इंडोर्स जरूरी है। तो कैसे प्रूफ होगा कि किस पुलिस ऑफिसर ने इसके बिहाफ पे किया है एग्जीक्यूशन वारंट का? ये बात समझ में आया 74? आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ने से पहले फिर मैं आप लोगों को क्लेरिफाई कर देना चाहता हूं, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे मुझे लाइव पहली बार अटेंड कर रहे हो तो मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कुछ बातें जो बता दूं आप लोगों के लिए, आप लोगों के हित के लिए, देखो अनअकैडमी पे आई एम वन ऑफ द एडुकेटर, मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता हूं, तीन स्पेशल क्लासेस होती है हमारे, तीन स्पेशल क्लासेस होती है जिसमें मॉक टेस्ट भी शामिल है। अगर आपको मेरा स्पेशल क्लास अटेंड करना है, और ये स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री होता है विदाउट एनी कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना पड़ता है स्पेशल क्लास के लिए, आपको स्पेशल क्लास फ्रीली अटेंड करने के लिए अगर आपके मोबाइल फोन पे अनअकैडमी का लर्नर ऐप है दैट्स ग्रेट, अगर नहीं है तो आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड कर लेना है, करने के बाद नंबर से या फिर अपने मेल से वेरीफाई कर लेना है, उसके बाद आप डायरेक्टली जाके भी अनअकैडमी ऐप पे डायरेक्टली जाके सर्च करोगे सोनू कुमार, डायरेक्टली जाके सर्च करोगे सोनू कुमार तो हम आ जाएंगे, आप मेरे प्रोफाइल तक पहुंच सकते हो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर में मेरा प्रोफाइल लिंक दिया हुआ है, मेरा प्रोफाइल लिंक दिया हुआ है, जुडिशियल ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जुडिशियल ग्रुप टेलीग्राम, जुडिशियल ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, कोई भी डाउट हो डायरेक्टली आप मेरे तक पूछ सकते हो मुझसे। क्लास का जो टाइमिंग है उसको जरूर लिख लो, जो तीन स्पेशल क्लासेस होती है, एक जो 10 बजे सुबह होता है पहला स्पेशल क्लास जो फ्री है, दूसरा 11:30 बजे मॉक टेस्ट, 11:30 बजे मॉक टेस्ट, उसके बाद 6:00 बजे फिर एक क्लास, और फिर ये भी मॉक टेस्ट, ये भी मॉक टेस्ट, 11:30 6 मॉक टेस्ट है, 10 बजे लेक्चर इंडियन, हाँ सबसे महत्वपूर्ण, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू से पढ़ना है? अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू से पढ़ना है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग,
विद रिलेवेंट केसेस के साथ डिटेल में, तो भैया 10 बजे वाला क्लास जरूर अटेंड कर लेना, शुरू से स्टार्ट किए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, और उसके बाद 9 बजे आप लोगों का धमाका क्लास है यूट्यूब पे, यूट्यूब पे धमाका क्लास, बाकी ये 3 क्लास अन अकेडमी पे है। मेरे लिंक पे जाओगे, क्लिक करोगे, फ्री एक्सेस के लिए बस इतना आपको करना है, आपको कोड अप्लाई करना होगा लॉ इज लाइफ। जो लोग क्लास अटेंड करते हैं, जो लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में अनलॉक कोड जरूर लिख दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अनलॉक कोड जरूर लिख दीजिए, लॉ इज लाइफ, ये मेरा अनलॉक कोड है, आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा मेरे क्लास का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 75 में आते हैं। 75 है नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाना है, उसको अरेस्ट करने से पहले क्या अरेस्ट वारंट दिखाना जरूरी होता है? 75, अगर वो व्यक्ति मांग करता है कि आप मुझे अरेस्ट करने आए हो, आपके पास अरेस्ट वारंट है, तो दिखाना अनिवार्य है, याद रखना इस बात को, दिखाना अनिवार्य है। सर मैंने तो बिना कोड यूज किए भी आपकी क्लास देख पा रही हूं, वेरी गुड, वो ऑटोमेटिकली तब मानसरी जी हो जाता होगा, लेकिन कोड याद रखिएगा लॉ इज लाइफ। सिमरन जी इस वीडियो के लिंक को आप फेसबुक पे और हर जगह शेयर कर दीजिए इसके लिए, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद होगा आप लोगों का। 75 पे आते हैं, 75 हो गया, 76 क्या कहता है? पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्राउट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले, पुलिस अरेस्ट वारंट के आधार पे अरेस्ट कर ली, तो उसके बाद उसको जितना जल्दी हो सके बिना देरी के कहां प्रस्तुत करना है? कोर्ट में करना है। अच्छा एक बात बताओ आप हमको, 76 और 56 में क्या अंतर है? 76 और 56 में कोई अंतर बता सकता है? 76, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच सिमरन जी। 76 और 56 में कोई अंतर? अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। देखिए 56 में भी आप पढ़ोगे तो कहता है कि व्यक्ति को विदाउट डिले मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रोड्यूस करना होता है। एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग पूछा जाता है, यहां जो मजिस्ट्रेट इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सी मजिस्ट्रेट होती है, और एक बात कि क्या उसका ज्यूरिसडिक्शन होना जरूरी है जिस अपराध के रिस्पेक्ट में अरेस्टेड पर्सन को अरेस्ट किया गया है, उस अपराध पे उस मजिस्ट्रेट का ज्यूरिसडिक्शन होना जरूरी है, तभी उसके समक्ष अरेस्टेड पर्सन को प्रोड्यूस किया जाएगा। एक बात याद रखो, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इंटरव्यू में ये पूछा गया है, और यहां ये बात याद रखना जरूरी है कि 56 के तहत जिस व्यक्ति को प्रोड्यूस किया जा रहा है बिफोर मजिस्ट्रेट, उसका ज्यूरिसडिक्शन होना जरूरी है, उसका ज्यूरिसडिक्शन जरूरी है होना। और यहां पे मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है और जुडिशियल भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है जब आप 167 को पढ़ते हो तो आपको एकदम पता है कि 24 घंटा के भीतर अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रोड्यूस करके टाइम लिमिटेशन को इन्वेस्टिगेशन का बढ़ाया जा सकता है, 15 दिन, 60 दिन, 90 दिन, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास 7 दिन तक का पावर है। तो ये दो बात याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे कि 56 में जब व्यक्ति को लाया जा रहा है तो उसको क्या अरेस्ट वारंट के साथ किया गया है? वेरी गुड सपना जी, 56 में
जो अरेस्ट किया गया है वो विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया है, विदाउट वारंट। और 76 में विथ अरेस्ट वारंट, विथ अरेस्ट वारंट। तो ये बात याद रखना, दोनों के बीच अगर कभी अंतर पूछ लिया गया तो आप अंतर बता सको कि 76 और 56 में क्या फर्क है। चलिए, वेरी गुड। तो यहां हो गया आपका 76 तक। अब 77, वेयर वारंट टू बी एग्जीक्यूटेड, वारंट कहां एग्जीक्यूट होता है। मान लो कि पटना शहर का मजिस्ट्रेट वारंट इशू किया, क्या वो तमिलनाडु में जाके एग्जीक्यूट हो सकता है। पटना की मजिस्ट्रेट ने इशू करी वारंट, तो क्या वो तमिल कहीं पे भी भारत के किसी भी क्षेत्र में, एनी प्लेस इन इंडिया। अच्छा, इसी से एक जुड़ा हुआ एक सवाल मैं फिर से पूछूंगा आपसे, क्या पुलिस को यह पावर है कि कहीं पे भी वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है कॉग्निजेबल ऑफेंस का। क्या पुलिस को पावर है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कहीं भी कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है आप लोगों को पता है, बिल्कुल पता होना चाहिए कि जिसमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट करती है। अब यहां पे ए ने, मान लो ए नाम का व्यक्ति है, इसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया मुंबई में। कहां किया? मुंबई में। सबसे पहला सवाल, क्या इस व्यक्ति के खिलाफ क्या बिहार में एफआईआर हो सकता है। इस व्यक्ति के खिलाफ बिहार में, अपराध मुंबई में हुआ और एफआईआर बिहार के किसी भी पुलिस स्टेशन में होगा, तो आप लोगों में से अधिकतर लोगों का जवाब होगा बिल्कुल सर, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट, जीरो एफआईआर, कहीं पे भी एफआईआर हो सकता है। लेकिन आपको क्या यह पता है कि जीरो एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट है सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में इवॉल्व किया था, वो केस है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनाती रामूबे का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व किया था जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट। तो मेरा सवाल क्या है, एफआईआर पे जाएंगे तो डिटेल में बात करेंगे एफआईआर पे भी। मेरा सवाल है एफआईआर कहां हुआ, बिहार में हो सकता है। चलो, अब जब एफआईआर हो गया बिहार के किसी भी पुलिस स्टेशन में, तो उस पुलिस स्टेशन का पुलिस ऑफिसर मुंबई में जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंस का, क्या ये लीगली वैलिड है। कर सकता है, वेरी गुड, यस कर सकता है। तो यह बात कहां किया गया है, ये बात कहां कहा गया है कि कोई जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए एफआईआर ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत ही हो कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि इसलिए हम आपको बताएं क्योंकि 77 आ गया था नजर में, और 77 बोल रहा है कि जो वारंट है एग्जीक्यूट कहां होगा, तो कहीं पे भी हो सकता है भारत के किसी भी क्षेत्र में। तो इन्वेस्टिगेशन भी कोई भी पुलिस कहीं पे जाके कर सकती है, लेकिन शर्त क्या है, ऑफेंस कॉग्निजेबल होना चाहिए। कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिस्पेक्ट में एफआईआर होगा तो कहीं भी हो सकता है, यह भी आपको पता है। अगर हम आपसे पूछे कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एफआईआर का रजिस्टर होना जरूरी है क्या, वेरी गुड पूजा जी, सुशांत सिंह के केस में ही हुआ था, वेरी गुड, याद है आपको। नहीं नहीं, कोई सपोर्ट उपोर्ट नहीं रमा जी, माफ कीजिए रामू जी, कोई सपोर्ट उपोर्ट नहीं, विदाउट एनी सपोर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द लोकल पुलिस। क्या कर सकती है, सीधा सवाल का सीधा जवाब है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है कि नहीं कर सकती है,
हम आपको यहां के सपोर्ट करने का कोई बात ही उठाए ना है, यस और नो? यस है ना। अब देखो, बिना फॉर्मल एफआईआर के, बिना फॉर्मल एफआईआर के भी इन्वेस्टिगेशन होगा कॉग्निजेबल ऑफेंस का। इन्वेस्टिगेशन के लिए एफआईआर का दर्ज होना कोई जरूरी नहीं है, ये याद रखना। दूसरी बात कि अगर पुलिस, मान लो ये जो इतना जो हम आपको बता रहे हैं बात, ये बात कहां पे है? ये बात सीआरपीसी का सेक्शन 157 में है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 157। तो कहीं पे भी कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा कॉग्निजेबल ऑफेंस का, एफआईआर हो जाएगा और अरेस्ट वारंट कहीं पे भी एग्जीक्यूट हो सकता है, इसलिए इस बात को बताएं, जुड़ा हुआ था इसलिए बता दिए। चलिए डिटेल में, सीआरपीसी भारी लगता है आप लोगों को? लगता है अगर, नहीं लगने वाला है। बस एक बात याद रखना, कभी भी लाइफ में आज तक जो गलती की हो वो नहीं दोहराना। गलती 90% स्टूडेंट क्या करता है, याद करने का चक्कर में रहता है। किसी भी चीज को याद करने का दिमाग से ही बात हटा दो कि सीआरपीसी को याद करना है, सीआरपीसी का मेन क्वेश्चन को पढ़ना है तो याद कर, ना ना ना, याद उधर नहीं करना है। मेरा एक रूटीन है, डेली मेरा एक रूटीन होना चाहिए, उस रूटीन के मुताबिक हमको हर दिन उसको पढ़ना है, हर दिन उसको समझना है। बस आप बस इतना करते चलना, रिपीट रिपीट रिपीट, रिविजन रिपीट रिविजन रिपीट रिविजन, आप यकीन मानो आपको कब बात याद होने लगेगा बिना याद किए हुए आपको भी पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर दिमाग में ये टारगेट बैठा के चलोगे, याद करके रहेंगे, तो जीवन में लिखवा लो याद कभी नहीं होगा। चलिए अपने अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। है ना, याद करने के लिए याद होगा नहीं, आपको पढ़ते रहना है, पढ़ने के लिए याद करने की जरूरत नहीं है, रिवीजन जरूरी है। और रिवीजन कितने बार, सबसे बड़ा समझदारी वही वहां होता है जो एक चीज को बार बार पढ़ता है। 90% स्टूडेंट के दिमाग में है मेरा सिलेबस खत्म हो जाए, दौड़ गए हीरो बन के, बहुत जल्दी से खत्म कर लेते हैं, 6 मंथ में सिलेबस पूरा खत्म। खत्म तो हो जाएगा। आईपीसी, आप लोगों को एक बात बताओ, टू बी फ्रैंक पूछते हैं, क्या 7 दिन में हमने आप लोगों को सीपीसी पढ़ाया, यस और नो? 7 दिन के भीतर लगातार 3 घंटा हुआ क्लास, 1 से लेके 158 सेक्शन तक पूरा पढ़ा तो दिए, यस और नो पहले बताओ। एक से लेके 158 सेक्शन तक पढ़ा दिए। हाँ, हमको पता है शशि जी, ऑर्डर पेंडिंग है, ऑर्डर पेंडिंग है, क्या करे, एक ही आदमी है ना, है ना। तो पढ़ा दिए 1 से लेके 158 सेक्शन तक, कोई भी अपने तरफ से घपलाबाजी किए क्या, पूरा डिटेल में समझाए। लेकिन एक बात बताओ, रिटेन कितना किए हो बात को, बात को कितना अपने अंदर समा सके हो? 158 सेक्शन याद है अभी तक? 158 अगर हम पूछ लेंगे कहीं से भी उठा के पूछ लेंगे, ये होना चाहिए कि हमसे कहीं से भी पूछ लिया जाएगा, मेरे पास जवाब होना चाहिए, कम से कम रेफरेंस तो होगा ही होगा, पूरा नहीं जानकारी तो रेफरेंस तो जरूर होगा, हमको कोई घुमा नहीं सकता है, गोल गोल कुछ भी बोल के घुमा नहीं सकता, ऐसा होना चाहिए। होने का खत्म, खत्म तो हो गया, लेकिन अगर रिवीजन नहीं किए होगे तो सब जैसे घुसा है वैसे निकल भी जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है रिपीट रिवीजन, रिपीट रिवीजन, रिपीट एंड रिवीजन, ये बहुत जरूरी है। चलिए सर, सीपीसी की क्लास किस में चल रही है? कविता जी, सीपीसी की क्लास अन अकेडमी पे चली थी, फिर से शुरू करेंगे अन अकेडमी पे, सीपीसी के भी अन अकेडमी पे फिर से शुरू करेंगे। सीपीसी का करने से पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर से एक बार मैराथन करेंगे 1 से लेकर 158। एक एक बात समझाएं आप लोगों को डिटेल में विथ केस लॉ, कुछ भी नहीं छोड़े आप लोगों के लिए। ऑर्डर 9 तक हो गया है, लेकिन निश्चिंत रहिए,
आपको YouTube चैनल पे भी मिल जाएगा। YouTube चैनल पे भी जाके प्लेलिस्ट में जाओगे तो सीपीसी का आपको ऑर्डर और सेक्शन पूरा मिल जाएगा। लेकिन लाइव हम लोग फिर से शुरू करेंगे, निश्चिंत रहो, क्योंकि मेरा तो एक ही सिद्धांत है, रिपीट रिवीजन, जितना हो सके। जब तक जज मजिस्ट्रेट नहीं बन रहे हो तब तक पढ़ते रहना पड़ेगा, एक एक दिन एक एक मिनट संघर्ष करना पड़ेगा। एक बात याद रखना, एग्जाम देने से पहले जो पढ़ रहे हो ना, ये सोचना कभी कि आखिर मेरा ही सिलेक्शन क्यों होगा, ऐसा हम क्या कर रहे हैं कि 231 में एक सीट हमको मिलेगा, ऐसा कुछ कर रहे हैं हम, ऐसा कुछ कर रहे हैं। अगर ये जवाब अंदर से आ गया कि हाँ कर रहे हैं, तब तो आज नहीं कल बन जाओगे। लेकिन अंदर से जो जवाब आएगा उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को आगे बढ़ाना। वो अंदर से कोई झूठ नहीं बोल सकता है किसी से, आप हमसे, हम आपसे छुपा लेंगे बातों को, लेकिन कोई व्यक्ति खुद से नहीं भाग सकता है। चलिए, कुछ लोग 78 पे आते हैं। वेरी गुड। जब तक बुक से पढ़े या बेयर एक्ट से पढ़े, देखिए बेयर एक्ट से भी पढ़ना पड़ेगा, बुक से भी पढ़ना पड़ेगा। बेयर एक्ट से इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बेयर एक्ट अगर नहीं पकड़ बनेगा, लॉ जीवन में नहीं समझ पाइएगा मानसरी जी। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं जिस बंदे को बेयर एक्ट पढ़ना आ गया, जिस व्यक्ति को बेयर एक्ट सीख पढ़ के समझना आ गया, उसके लॉ बहुत छोटा चीज है, बहुत छोटा चीज, कोई भी लॉ वो खत्म कर देगा, समझा देगा आपको, बता देगा। तो इसलिए बेयर एक्ट बहुत जरूरी है, उसको प्री के लिए अलग दृष्टिकोण से पढ़ाई होती है, मेंस के लिए अलग दृष्टिकोण से पढ़ाई होती है, इंटरव्यू के लिए अलग दृष्टिकोण से पढ़ाई होती है। सबको अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग पैटर्न के थ्रू पढ़ना पड़ेगा। प्री को निकालने के लिए अंदर जाने का जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस का बहुत जरूरत है, बेयर एक्ट का बहुत जरूरत है। नहीं करोगे तो हमेशा असमंजस रहेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। कोई लोग प्री नहीं निकाल पाते हैं और कोई लोग प्री निकालते हैं तो मेंस नहीं निकाल पाते हैं, तो इसलिए तीनों को लेकर चलना पड़ेगा। खैर आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। क्या कहता है, वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन। अब एक बात बताओ, ये एक एरिया है और एक एरिया ये है, यहां पे एक मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास, इसने वारंट इसको वारंट एग्जीक्यूट करना है, और इस एरिया के अंतर्गत जो ए नाम का व्यक्ति है उसको अरेस्ट करवाना है। तो आखिर सवाल है कि एक मजिस्ट्रेट जो इस एरिया में ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करता है, क्या वो वारंट, अपना वारंट दूसरे एरिया में एग्जीक्यूट करवा सकता है, यस और नो? तो 78 कहता है बिल्कुल करवा सकता है। अगर करवा सकता है तो दूसरा सवाल आता है कि कैसे करवाएगा। तो ये क्या करेगा, ये यहां 78 के अकॉर्डिंग क्या डायरेक्टली पुलिस ऑफिसर को देगा वारंट, डायरेक्टली क्या वारंट एग्जीक्यूशन के लिए आउटसाइड हिज ज्यूरिसडिक्शन, क्या वो पुलिस ऑफिसर को देता है 78 के अकॉर्डिंग? नहीं, वो नहीं देता है पुलिस को। वो क्या करता है, इस एरिया के अंतर्गत, इस एरिया में अब कोई भी नाम दे सकते हो इसका। अब जैसे इसका हम नाम दे दिए, हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो हम पूर्णिया नाम दे दिए, और इसका नाम भागलपुर दे दिए इस एरिया का। तो अब इस एरिया के डीएसपी को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, या फिर कमिश्नर को, इनमें से किसी को भी वारंट वो दे देगा एग्जीक्यूशन के लिए। बात समझ में आई? एक मजिस्ट्रेट जिसको
अपना अरेस्ट वारंट एग्जीक्यूट करवाना है अपने ज्यूरिसडिक्शन के बाहर, तो वो बिना पुलिस को सौंपे हुए वारंट वो इनमें से डीएसपी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कमिश्नर को सौंपेगा और बोलेगा कि आप अरेस्ट करके उस व्यक्ति को हमें फॉरवर्ड कर दीजिए। और एक बात, जब वारंट उसको सौंप रहा होगा ये मजिस्ट्रेट, जब वारंट सौंप रहा होगा तो वारंट के साथ जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाना है उसके बारे में जो डिटेल इंफॉर्मेशन जो भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाना है उसके खिलाफ सारी जानकारियों को भी साझा करेगा उस अरेस्ट वारंट के साथ। किन के साथ? जो डीएसपी, कमिश्नर या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया 78 समझ में आया? आगे बात तो ठोक दो ताली। चलिए वेरी गुड, एक एक बातों को समझना है। समझ गए वेरी गुड। जब आप लोग बोलते हो ना समझ गए, चलिए तो एक बार जोरदार अपने अपने रीजनल लैंग्वेज में बोल दीजिए मजा आ रहा है सर, अपने अपने रीजनल लैंग्वेज में बोल दीजिए कि मजा आ रहा है। सीआरपीसी समझ में आ रही है, मजा आ रहा है अपने अपने रीजनल लैंग्वेज में? चलिए बहुत बढ़िया। 79 अब यहां पे देखो क्या कहता है, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन। वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर, डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड इट्स ज्यूरिसडिक्शन। अब यहां पे एक मजिस्ट्रेट जो इस ज्यूरिसडिक्शन में अपना पावर एक्सरसाइज करता है, तो अब 79 के अकॉर्डिंग अगर ये मजिस्ट्रेट वारंट इशू करना चाहता है, एग्जीक्यूट करवाना चाहता है दूसरे ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत, तो यहां पे वो वारंट ऑफ अरेस्ट किसको दे रहा है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट? तो पुलिस ऑफिसर को दे रहा है। किसको? यहां पे पुलिस ऑफिसर को दे रहा है। अब एक बात बताओ कि ये जो मजिस्ट्रेट है जो भी है, वॉट एवर मजिस्ट्रेट, वॉट एवर हिज रैंक मे बी, तो यहां पे मजिस्ट्रेट जिसने वारंट इशू कर दिया फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड इट ज्यूरिसडिक्शन, फॉर एग्जाम्पल इस क्षेत्र के अंतर्गत, इस ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत, तो यहां वो पुलिस ऑफिसर को सौंप रहा है, करेक्ट? अब सवाल ये कि क्या पुलिस डायरेक्ट जाके वहां पे ए को अरेस्ट कर लेगा? ए को जिसके नाम से वारंट इशू हुआ है उसको उस ज्यूरिसडिक्शन में जाके डायरेक्ट अरेस्ट कर लेगा कि किसी का परमिशन भी चाहिए? तो कहता है इस क्षेत्र में जिस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ज्यूरिसडिक्शन होगा या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, थाना अध्यक्ष जिसको हम कहते हैं, इनमें से किसी भी व्यक्ति का परमिशन जरूरी है इस पुलिस ऑफिसर को इस क्षेत्र में जो इस मजिस्ट्रेट के क्षेत्र के बाहर है वहां पे जाके ए को अरेस्ट करना है, तो इस क्षेत्र में जिस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का या फिर जिस थाना अध्यक्ष का, ऑफिसर इंचार्ज का पड़ता है ज्यूरिसडिक्शन, उसका अनुमति अनिवार्य है। वेरी गुड, अनिवार्य है। अब देखो यहां, तो यहां पे वो क्या करेगा, ये पुलिस ऑफिसर जिसको वारंट एग्जीक्यूशन के लिए हुआ है डायरेक्टेड, ये वारंट को लेके जाएगा इसके पास, ये वारंट को इनके पास लेके जाएगा, और उसके बाद ये लोग, इनमें से कोई भी जिनके पास ये गया पुलिस ऑफिसर वारंट को लेके, ये परमिशन कैसे ग्रांट करेंगे? तो ये अगर ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास गया है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या वो ऑफिसर इंचार्ज के पास गया है, तो ऑफिसर इंचार्ज इस वारंट में इस पुलिस ऑफिसर का नाम इंडोर्स कर देंगे। क्या कर देंगे?
नाम इंडोर्स कर देंगे। जैसे नाम इंडोर्स कर दिए मतलब परमिशन मिल गया कि अब ये पुलिस ऑफिसर यहां पे जो ए छुपा हुआ है इस एरिया में, इस क्षेत्र के अंतर्गत, उसको अरेस्ट कर सकती है ये पुलिस ऑफिसर जिसको वारंट डायरेक्ट हुआ है इस मजिस्ट्रेट के द्वारा, जो किसी दूसरे एरिया में जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करती है। अब देखो यहां पे क्या कहता है, अगर अरेस्ट करने के दरमियान इस पुलिस ऑफिसर को अगर इस एरिया के अंतर्गत जो भी पुलिस आ रही है अगर उसका असिस्टेंस चाहिए, उसका मदद चाहिए, तो क्या उसको मदद मिलेगा आफ्टर इंडोर्समेंट ऑफ हिज नेम ऑन द वारंट बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और बाय द ऑफिसर इन चार्ज? मिलेगा, वेरी गुड, मिल जाएगा असिस्टेंस, बहुत अच्छा। और उसके बाद सब सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो पुलिस ऑफिसर को इस एरिया का मजिस्ट्रेट वारंट कर दिया इशू, अब इसको लगता है कि अगर हम इसके पास गए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास परमिशन लेने के लिए या ऑफिसर इन चार्ज के पास परमिशन लेने के लिए गए वारंट को एग्जीक्यूट करते हुए अरेस्ट करना है एक उसके रिस्पेक्ट में, तो होगा क्या कि ए यहां से फरार हो जाएगा। ए क्या होगा? फरार हो जाएगा। तो क्या इस सिचुएशन में, इस अर्जेंसी के सिचुएशन में, ये जो पुलिस ऑफिसर है बिना इंडोर्समेंट के बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और बाय द ऑफिसर इन चार्ज वो ए को अरेस्ट कर सकता है? यस और नो? तो यहां आएगा आंसर, यस कर सकता है। बात समझ में आ गई? ठोक दो ताली, बात समझ में आ गई तो अच्छे से। चलो अब आगे बढ़ते हैं मामले को, कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। एक बार जोरदार ठोक दीजिए ताली ताकि हमको एक नॉलेज हो जाए कि आप लोगों तक बात पहुंच गया, हमारा बात आप लोगों तक पहुंच गया। इसके लिए ठोक दीजिए ताली, सभी लोग ठोक दीजिए। विकास दुबे को यूपी पुलिस एमपी से अरेस्ट करके लाई थी लोकल पुलिस की हेल्प से, वेरी गुड। तो रितु जी ये हो किस प्रोविजन के अकॉर्डिंग रहा था सीआरपीसी का, याद रखना, अब रहना चाहिए 79, ये 79 के अकॉर्डिंग हो रहा था। अभी समझ में आया कैसे हो रहा था? चलिए अब आता है 80, सेक्शन 80 क्या कहता है सीआरपीसी का? देखो पता चला कब हम लोग सेक्शन 80 पहुंच गए, लगातार कुछ ही दिन क्लास हुआ है, 10 दिन, 10 दिन में सेक्शन 80 तक पहुंच गए। कहता है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इशूड, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इशूड। एक बात बताओ, 79 के अकॉर्डिंग, पहले 79 के अकॉर्डिंग जिसको अरेस्ट किया गया, ए को अरेस्ट किया गया पुलिस मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन के बाहर जाके दूसरे जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या ऑफिसर इन चार्ज के उस वारंट पे इंडोर्समेंट के बाद ए को अरेस्ट कर ली। अब अरेस्ट करने के बाद किसके समक्ष प्रोड्यूस किया जाएगा ए को? उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा जिसने अरेस्ट किया है। तो एटी क्या कहता है, उसको प्रोड्यूस किया जाएगा डीएसपी के समक्ष या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष या कमिश्नर के समक्ष, इनमें से किसी भी एक के पास प्रोड्यूस किया जाएगा। ये तो जनरल रूल हो गया। कब इनके समक्ष प्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है? तब नहीं है जब जिस कोर्ट ने वारंट जारी किया था और जहां अरेस्ट किया गया है उन दोनों जगहों के बीच का दूरी कितना होना चाहिए, कितना से कम होना चाहिए। तो यहां कहता है कि 30 किलोमीटर से अगर कम है तब
इनके समक्ष प्रोड्यूस करना कोई जरूरी नहीं है, या उस व्यक्ति को जिसको बाहर जाके बाहर के जुरिस्डिक्शन में अरेस्ट किया गया है उसके खिलाफ बेलेबल वारंट हुआ था और उसने 71 के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी दे दी थी, तो फिर उसको प्रोड्यूस करने का इन लोगों के समक्ष जरूरी नहीं है, डीएसपी हो या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या कमिश्नर हो। पूरा बात समझ में आया 80 का पूरा बात समझ में आ गया? ठोक दो ताली एक बार जोरदार, 80 समझ में आ गया तो चलिए, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं और अंतिम आज का सेक्शन, प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर हुम सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्राउट। अब सिंपल है, क्या कहा? प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर हुम सच अरेस्टेड पर्सन वॉज सच अरेस्टेड पर्सन वॉज ब्राउट। अब बताओ एक बात, सेक्शन 80 के तहत जिस डीएसपी के समक्ष, जिस कमिश्नर के समक्ष, जिस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको, उस अरेस्टेड पर्सन को अगर प्रोड्यूस किया गया तो उसके बाद इनका क्या ड्यूटी बनता है? इनका जो भी ड्यूटी बनता है आगे क्या कार्रवाई करना है उस पर, यह बात आपको सेक्शन 81 बताता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो अरेस्टेड पर्सन को अरेस्ट करने के बाद 81 के अकॉर्डिंग इनमें से किसी भी एक के समक्ष किया गया, प्रोड्यूस्ड, उपस्थित किया गया, अब यहां पे क्या करेंगे ये लोग क्या करेंगे? अगर मान लो कि अरेस्ट जिस ऑफेंस के लिए रिस्पेक्ट में किया जा रहा है अगर वो बेलेबल है, वो बेलेबल ऑफेंस है, तो उसको बेल पे छोड़ सकते हैं क्या? उसको बेल पे छोड़ सकते हैं, अगर वो बेल के लिए तैयार हो गया है तो उसको बेल पे छोड़ दिया जाएगा, या फिर अगर वो 71 के अकॉर्डिंग उसके अगेंस्ट ऑर्डर इशू हुआ और वो सिक्योरिटी दे दिया है तो भी यहां पे वे लोग छोड़ देंगे जिनके समक्ष उस अरेस्टेड पर्सन को किया गया है प्रस्तुत, या फिर अगर जिस ऑफेंस के रिस्पेक्ट में प्रोवाइजो नंबर 2 कह रहा है कि प्रोवाइजो नंबर 2 जिस ऑफेंस के रिस्पेक्ट में उसको अरेस्ट किया गया है वो नॉन बेलेबल है, वो क्या है? नॉन बेलेबल है, तो फिर उसको भी छोड़ दिया सकता है। अगर वो 437 में 437 में दिए गए प्रोविजन कंडीशन को फुलफिल अगर कर रहा है तो उसको भी रिलीज कर दिया जाएगा, छोड़ दिया सकता है, अदरवाइज नहीं, उसको कस्टडी में भेज दिया जाएगा, चाहे वो पुलिस हो या जुडिशियल हो। और सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है इस सेक्शन में, शैल प्रिवेंट पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टेकिंग सिक्योरिटी। यहां पे भी सीधा कह दिया, जैसा कि आपको बताएं कि वही बात कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है 81 में कि किसी व्यक्ति जिसके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हुआ उसको अरेस्ट किया गया और इनके समक्ष प्रस्तुत किया गया है तो उनको अगर 71 के अकॉर्डिंग रिलीज किया जा सकता है तो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है 81 में जो 71 के एप्लीकेशन को रोकेगा। ये हो गया आपका पूरा वारंट से जुड़ा हुआ एक एक प्रोविजन, एक एक बात मैंने आपको बताया 70 to 81। आज इस सेशन में आप लोगों का खत्म हो गया, अगर कोई क्वेश्चन फिर भी बच गया है तो आप पूछ सकते हो, कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन कुछ भी है तो पूछ सकते हो। आई होप कि कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए, तो अगर मजा आया आप लोगों को आज का सेशन में, बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों का हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।